मॉर्निंग माई छोटा स्कूल एंड एल के जी के हाउ आर यू सो वर्ल्ड अराउंड मी आपको मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ वर्ल्ड अराउंड में थर्टी फोर पेज है ये पेज नंबर थर्टी फोर एंड पेज नंबर थर्टी फाइव पे भी आप देख सकते हैं सो मैनी पिक्चर्स ऑफ यर फ्रूट्स की बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी यहाँ पे भी और इस पेज में भी थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव दोनों की मैं बात कर रही हूँ सो द किड्स हैव बीन मेड अवेयर ऑफ़ फ्रूट्स इन नर्सरी नर्सरी क्लास में जब आप थे तो बहुत सारी चीज़ों के आपको knowledge थी, fruits की आपको नॉलेज थी फ्रूट्स की ओके नाउ वी विल बिल्ड अ बिल्ड एंड ऑन देअर प्रीवियस नॉलेज बाय टेलिंग दैम अबाउट द वैराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला कि अभी जो है मैं वेराइटी के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी ओके okay? जैसे कि उनका टेस्ट एंड टेक्स्चर और ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं सो so, uh, प्लीज़ पेरेंट्स दीज इंस्ट्रक्शन यू टेक बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स जितने भी फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हैं वो उन उनके लिए आप एक बास्केट ले लीजिए डिफरेंट फ्रूट्स की बास्केट होगी कवर इट विद अ क्लोथ ओके बाय एंड स्टार्ट विद अ रिडल आपको एक रिडल से स्टार्ट करना है जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू दिस इज़ अ स्मॉल बास्केट ये मैंने कवर किया हुआ है और किस तरीके से मैं आपको वो भी बताऊँगी जितने भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको लेके एंड लेट द चाइल्ड गेस द नेम ऑफ द फ्रूट्स देन पेरेंट विल टेक कट दैट फ्रूट्स फ्रॉम द बास्केट एंड इंट्रोड्यूस इट बिल्कुल लेट द चाइल्ड गेस द नेम ऑफ द फ्रूट्स बेबीज को गेस करने दीजिए कि फ्रूट्स का क्या मतलब वो कौन सा फ्रूट है ओके एंड देन पेरेंट विल टेक विल टेक आउट दैट फ्रूट्स दैट द बास्केट एंड इंट्रोड्यूस इट उसके बाद वो फ्रूट्स को निकालेंगे बास्केट में से और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करेंगे टॉक अबाउट द अदर एक्टिविटीज ऑफ द फ्रूट्स फॉर फर्दर नॉलेज ईच चाइल्ड शुड नो नाउ शो रियल फ्रूट्स टू द चाइल्ड विश द फ्रूट्स एंड कट इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड आप उनके सामने फ्रूट्स को काट भी सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया टॉक अबाउट इट्स कलर टेस्ट टेक्स्चर एंड वॉट टू नीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स इनके इन फ्रूट के बारे में आप बिल्कुल आराम से बताएंगे कि इसका क्या कलर है इसका क्या टेक्सचर है ये कि इसमें कितने वाइटमिनस पाए जाते हैं इसमें कितने मिनरल्स पाए जाते हैं बिल्कुल इस तरीके से आप लोग समझाएंगे ओके ऑल्सो कट द फ्रूट अब आपको जो है फ्रूट अब आप काट भी सकते हैं इन स्मॉल पीसेस एक स्मॉल पीस में आप काट सकते हैं एंड लेट देम टेस्ट और उनको टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं अब रिटल किस तरीके से होगी इस रिडिल में मैं कुछ फ्रूट्स आपको रियल फ्रूट दिखाऊंगी भी रिडल सबसे पहले होगा आई एम अ ग्रीन और पर्पल आई ग्रो इन बंचेज हु एम आई ग्रेप्स सपोजिंग आपकी बास्केट में ग्रेप्स हैं तो आप ग्रेप्स को निकालते हुए पहले बेबीज से पूछेंगे जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन में बोला उसके बाद में ये रिडल आपको बोलनी है आप इसको सिंग करके भी बोल सकते हैं आई एम ग्रीन और पर्पल आई ग्रो इन बंचेस हु एम आई I आई एम ग्रेप्स हु एम आई आई एम ग्रेप्स लाइक दिस okay i am a king of fruits i am a king of fruits who am i who am i i am mango like this i have many many seeds i have many many seeds grown at side at red from inside who am i bilkul samaj gaye honge, watermelon दिस इज एक्चुअली अ समर्स फ्रूट तो इफ इट इज अवेलेबल देन यू कैन यू नो टेक इट आई एम येलो इन कलर आई एम येलो इन कलर यू नो टू पील मी ओके यस बिल्कुल समझ गए आई कैन हेयर योर वॉइस यू नो टू पील मी आपको मुझे छीलना आता है ओके ईटिंग हु एम आई यस दिस इज बनाना आई एम अल्दी फ्रूट नाउन आई एम अ हेल्दी फ्रूट एंड आई कीप द डॉक्टर अवे आई कीप द डॉक्टर अवे हुई अब आई एम शोइंग यू दिस इज अ बास्केट छोटी सी बास्केट ली है मैंने जितने भी आप लोग के घर में फ्रूट्स अवेलेबल हों उनको लेकर आपको रिटिल करनी है एंड दिस इज कवर्ड ये आपको दिखाई दे रही है अब मैंने एप्पल की बात की थी Yes, Who am I? I am apple. Who am I? I am apple. Like this मतलब real fruits को लेकर आपको ये riddle करनी है और इस activity का conversation जो है वो real uh, fruits के साथ में ही रहेगा. So let's do it.